Guys, I'm Yuvraj Malik and you're watching with an online study. So guys, आज हम बात करेंगे एक और न्यूज़ की जिसमें बताया गया है कि CTET जल्द ही आने वाला है और हाई कोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं रीना जी, उन्होंने बताया है कि NTCE और CBSE के बीच में एक कहासुनी चल रही थी कि इस बार का CTET कौन कराएगा, लेकिन ये अब फाइनल कर दिया गया है कि CBSE को ही CTET कराने का अधिकार है और उन्हें अभी जल्द ही लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा कि 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें CTET कराना पड़ेगा. किनको? CBSE बोर्ड को. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जल्द ही 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन CTET का आ जाएगा, ये 100% कंफर्म है. ठीक है, आगे की न्यूज़ देख लेते हैं. हाई कोर्ट ने सीबीएसई को 4 माह का दिया था समय. हाई कोर्ट ने सीबीएसई को 4 माह का समय दिया है और सबसे बड़ी बात, कोई भी और बड़ा बदलाव नहीं होगा. पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है और जहाँ तक है ऑफलाइन ही होगी परीक्षा. परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो रही है, सभी अटकलें गलत हैं. कोई भी ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी अब तक शुरू नहीं हुई है. अगर ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू हुई तो 6 महीने से भी ज़्यादा का समय और लग जाएगा, इसलिए यह परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही होगी. ठीक है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने 4 माह का समय दिया है. अगर हम ये लगा लें कि 1 से 1.5 माह का समय पेपर के नोटिफिकेशन आने के बाद भी लगता है और 1 माह का समय हमें फॉर्म भरने में मिलेगा, तो एटलीस्ट 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है. तो आइए कुछ अखबार की भी सुर्खियां देख लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है. ये अखबार है जो आज की है, 4 माह के अंदर पूरा कराएं CTET हाई कोर्ट. ठीक है, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव ना करे NCTE, क्योंकि NCTE ही पाठ्यक्रम देखता है, इस वजह से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव ना करे NCTE. ठीक है, और NCTE और CBSE के बीच में जो स्वाधीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही राहत की खबर है. और जल्द ही हमारी जो CTET का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, तो अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि ये TET आपके लिए मौका है, बहुत बड़ा मौका है. इसके बाद जितनी भी परीक्षाएं आनी हैं वो भी आप दे पाओगे. TET की वजह से लाखों बच्चे DSSS भी नहीं दे पाए, तो हमें ये बात समझनी चाहिए और इस बार CTET हमें क्लियर करना चाहिए. आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, और CTET के किस पेपर में, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है वो सब्जेक्ट भी नीचे कमेंट में लिखें, और फिर जल्दी ही इसकी तैयारी, पूरी तैयारी शुरू करेंगे. धन्यवाद. मैं हूँ युवराज मलिक एंड आप देख रहे थे विजन ऑनलाइन स्टडी. थैंक